हस्तमैथुन हैंड प्रैक्टिस और जिसे हम कह रहे हैं मैस्ट्रिब्यूशन, क्या है इसके फायदे? फायदे जान के चौक जाओगे, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, आपको बता दूँ, किसी भी चीज़ को नियमित तरीके से ही करनी चाहिए और लिमिट में ही करना चाहिए, वरना इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के लिए मैंने वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाता है, उसको जरूर से जरूर देखिए। वैसे बताया गया है कि 15 दिन में एक बार हस्तमैथुन या फिर हैंड प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। मैस्ट्रिब्यूशन या फिर हैंड प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। फायदा नंबर 1 कि आप अपनी बॉडी को जान पाते हैं कि आपकी बॉडी की सेक्सुअल डिजायर्स क्या है, क्या आपको पसंद है नापसंद है, और इससे आपका जो है माइंड और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ काफ़ी डेवलप करती है। तो अपने आप को जानने के लिए, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ डिज़ायर्स को जानने के लिए, पसंद नापसंद को जानने के लिए मैस्ट्रिब्यूशन काफ़ी ज़रूरी है और अच्छा माना गया। नंबर 2, मील्स में बांझपन यानी कि पिता ना बनने की क्षमता को ये कम करता है। और उसी के साथ आपको बता दूँ कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है, प्रोस्टेट कैंसर होने के खतरे को भी ये कम करता है, तो हैंड प्रैक्टिस प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है। नंबर 3 जो काफ़ी अच्छा है, रिलैक्स करता है, आपको चिंता से मुक्त करता है। आप डिप्रेस रहते हो, आप टेंशन में रहते हो, तो आपकी चिंता को कम करता है और आपको अच्छी नींद देती है। अच्छी नींद देने का कारण ये है कि जब हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड में, आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे रिलैक्सेशन हार्मोन कहते हैं, जो आपको खुशी का हार्मोन कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद भी आती है। तो ये आपके रिलैक्स करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है आपकी बॉडी के लिए। और इसमें से आपको बता दूँ कि जब हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपके स्पर्म काउंट यानी स्पर्म काउंट आपके सीमन बनने का जो मात्रा है वो भी बढ़ती है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़रूरी भी है। तो कैसी लगी वीडियो, ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।